ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी लाइट जो अपने आप ही ऊपर जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इस बटन से जो है इसको नीचे को करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से जो है नीचे आ रही है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हेडलाइट के ऊपर, जिसकी मदद से आप जो है अपनी हेडलाइट का बीम जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो ऊपर और नीचे की ओर। तो चलिएगा सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक मोटर चाहिए होगी साइड मिरर की, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है जिसमें कि ऑटो एडजस्टेबल फीचर होता है, जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, मतलब अंदर से बैठे हुए आप गाड़ी के जो है वो शीशे को एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर की ये मोटर है, ये स्विफ्ट गाड़ी की मोटर है ये साइड मिरर की। तो कुछ इस तरह की मोटर आप देख सकते हो, तीन वायर इसके साथ जो है लगी हुई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसको जो है पहले चला के दिखाता हूँ। गाइस इसके साथ जो है तीन वायर है और गई यहाँ पे ये जो है मेरा डीसी मीटर है, इसकी ये जो है दो प्लस और माइनस है। इसको आप बैटरी मान के चलिएगा, 12 वोल्ट की ये एक हिसाब से बैटरी है और इसको मैं जो है टेस्ट करने के लिए अभी यूज़ करूँगा। सो गई ये मोटर में जो है टोटल तीन वायर है और बीच वाली जो वायर है वो कॉमन होती है, और जो साइडों वाली दो वायर है उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक जो वायर है अगर मैं बीच वाली कॉमन और ये रेड वायर का लेके चलूँ तो ये जो है एक डायरेक्शन में मूव करवाएगी इस मोटर को, और अगर मैं जो है व्हाइट कलर की वायर के साथ अटैच करूंगा तो ये जो है दूसरी डायरेक्शन में इसको मूव करवाएगी। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से गए ये जो है मूव होगा। और अगर मैं जो है पोलैरिटी चेंज करता हूँ, मतलब यहाँ पे प्लस था उसमें माइनस करता हूँ, यहाँ पे माइनस था बीच में कॉमन में, उसमें अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको चेंज तो ये दूसरी डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगी। और सेम गाइज ऐसा ही जो है बीच वाली कॉमन और वाइट के साथ करूँगा तो ये जो है दूसरी वाली डायरेक्शन में मूव करेगी। सो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से मूव करती है। और इसी के ऊपर गाइज मैं जो है एक लाइट को रख के उसका जो है हम टेस्ट करेंगे। लाइट का जो है वेट थोड़ा हल्का होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये लाइट है इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पे। और अभी जो है मैं आपको ये पूरा अभी सेटअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेन काम आता है वो आता है इसकी वायरिंग का। सो इस वायरिंग में जो है इसमें एक रोकर स्विच लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये रोकर स्विच है। सो इसका वायरिंग काफ़ी जो है सिंपल है, आप देख सकते हो आपको क्रॉस करनी है वायर कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ। और मोटर को आपको जो है कनेक्ट करना है साइडों में, कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी कोई पॉजिटिव माइनस नहीं है। और बीच में आपको जो है सप्लाई देनी है, प्लस माइनस कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ करके और इस तरह से हमारा जो है सेटअप तैयार हो जाएगा। जैसे एक साइड में करेंगे तो ये जो है एक डायरेक्शन में मूव करेगी मोटर, दूसरी डायरेक्शन में करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कि इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करूंगा अपनी हेडलाइट में। तो चलिए अभी मैं हेडलाइट को बना लेता हूँ पहले। सो गाइज आप देख सकते हो हमारी हेडलाइट अभी तैयार है। आप देख सकते हो बीच में मैंने जो है एलईडी हेडलाइट लगा दी है इसके ऊपर, और इसकी वायरिंग मैंने प्रॉपर कर दी है स्विच के साथ। अभी डायरेक्ट इसको कनेक्शन करके मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो लाइट हमारी चल रही है, और जैसे मैं इसको जो है ऊपर को प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो लाइट ऊपर को जाती है, और जैसे डाउन को करता हूँ तो लाइट हमारी डाउन आती है। तो चलिए गाइज अभी इसको जो है बाइक में फिट करते हैं, देन उसके बाद जो है रिजल्ट को देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो हेडलाइट में मैंने इसको जो है हेडलाइट को बीच में फिट कर लिया है। अभी इसको जो चला के देखते हैं, आप देख सकते हो जैसे मैं अभी जो है इसको ऊपर को करता हूँ आप देख सकते हो हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और इसी तरह से आप इसको जो है डाउन भी कर सकते हो। सो गाइज आई थिंक आपको जो है ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।